Hey guys, how are you all? Welcome to Smiles and Verbs. Friends, in today's video, I'm going to show you all what's in my bag. Guys, इस तरह की videos में मैंने बहुत सारे bloggers को करते हुए देखा है. In fact, बहुत सारे celebrities को भी मैंने इस तरह की videos करते हुए देखा है. It's really fun and entertaining to watch such videos. So guys, today I thought why not I tell you all what's in my bag really. But guys, before I start showing you all the content now, let me show you my handbag which I usually carry to my office. So guys, this is my handbag which I usually carry to my office and outing since it is very spacious. Guys, I got this one from an online store known as Zooken and this is for the first time that I have purchased any bag from them. And guys, इस brand के बारे में ना मुझे इनके Instagram handle से पता चला था. Actually, there were so many bloggers who got bags from them, purses from them, and they used to write really good things about them. So I thought, why not I go on their website and check their stuff. So guys, इनकी website पर जाकर ना मुझे दो बातें इसके बारे में पता चली. जितने भी bags हैं ना उसमें जो भी लेदर यूज होता है ना, इट्स ऑल वीगन लेदर विच इज क्रुएलिटी फ्री एंड पीटा सर्टिफाइड. So guys, this is a very beautiful thought and I am myself a very big supporter of cruelty free products. And guys, this is also a purely Indian brand. ये एक स्वदेशी brand है and we should support all Indian brands. इसके अलावा मुझे ये भी पता चला कि इनके जितने भी handbags, purses, wallets वगैरह होते हैं ना, उनपे जितने भी prints, patterns and designs होते हैं ना, they are all inspired by the rich Indian culture and heritage, which is such a beautiful thing. क्योंकि आजकल हम लोग सब westernized चीजों की तरफ जा रहे हैं and they are representing our Indian culture. And guys, उसके अलावा मुझे ये भी पता चला कि इनके जितने भी पर्सेस, हैंडबैग्स, वॉलेट्स वगैरह है ना, उनको बनाए जाने के लिए जो फैब्रिक का इस्तेमाल होता है ना, वो सारा का सारा फैब्रिक परचेज किया जाता है फ्रॉम मेनी स्मॉल विलेजेस ऑफ स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, कर्नाटका एटसेट्रा. अगेन, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स के बहुत सारे लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलता होगा. एंड गाइज, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व जितने भी आर्टिसंस है ना, दे ऑल्सो बिलोंग टू सेवरल स्मॉल विलेजेस ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स. सो गाइज, इस ब्रांड के पीछे जो आइडियोलॉजी है ना, वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी ज्यादा टचिंग लगा. सो गाइज, मैंने सोचा मैं भी यहाँ से एक बैग जरूर परचेज करूंगी. एंड देन मैंने इनके वॉलेट्स, पर्सेज एंड हैंडबैग्स के डिजाइन देखे. जो हैंडबैग्स वाला सेक्शन था ना, वो मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि इनके जो हैंडबैग्स थे ना, वो काफी बड़े थे एंड उसमें बहुत सारे ना डिजाइन एंड वेराइटीज अवेलेबल थी. एंड गाइस, उसमें से मैंने अपने लिए चूज किया ये पिंक पेस्ली पैटर्न. गाइस, ये देखिए कितना सुंदर बैग है. इसका फैब्रिक के ऊपर जो प्रिंट एंड पैटर्न है, ये कितना ज्यादा सुंदर. एंड गाइस, आई एब्सोल्युटली लव दिस पैटर्न फॉर द फैक्ट कि एक तो ये बहुत ज्यादा सुंदर है एंड इट ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट्स इंडियन कल्चर. बट गाइस, उसके साथ साथ ना कहीं ना इसमें मुझे एक थोड़ा सा बोहो टच भी मिला एंड आई लव बोहो फैशन माइसेल. सो गाइस, आई हैड टू बाय दिस बैग फॉर माइसेल. इस बैग की ओरिजिनल MRP है ₹3,998 बट वेबसाइट पर ना उस टाइम पे आई थिंक मुझे 52% डिस्काउंट मिल गया था एंड आई गॉट दिस बैग फॉर ₹1,889 विच इज अ प्रीटी डिसेंट प्राइस आई थिंक बिकॉज इसका जो लेदर है वो वीगन लेदर है. एंड गाइस, वीगन लेदर जो होता है वो काफी एक्सपेंसिव पड़ता है. एंड गाइस, इसका जो फैब्रिक है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. और गाइस, ये जो बैग है ये एक हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट है एंड हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स वैसे ही थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं. सो गाइस, उस हिसाब से ना मुझे काफी डिसेंट प्राइस पर मिल गया. इस हैंडबैग का जो साइड पैनल है, टॉप पैनल है और ये जो स्ट्रैप्स है ना, ये सब वीगन लेदर के बने हैं एंड जो फ्रंट एंड बैक साइड है दैट इज मेड विद हैंडक्राफ्टेड फैब्रिक. गाइस, इस बैग को ओपन करने के लिए यहाँ आपको टॉप साइड पर एक ये बड़ा सा जिप दिया गया है. जिप की हेल्प से यू विल रीच द मेन कंपार्टमेंट ऑफ दिस बैग. बेसिकली इस बैग में ये एक ही बड़ा कंपार्टमेंट है बट गाइस, उसके अलावा ना आपको कुछ पाउचेस प्रोवाइडेड है कि गाइस, यहाँ पर एक मोबाइल फोन रखने के लिए पाउच है एंड गाइस, उसके अलावा यहाँ पर एक पेन पाउच भी है जिसमें आप अपना पेन, डायरी वगैरह रख सकते हैं. गाइस, यहाँ अंदर की तरफ ना एक जिपर पाउच भी है. सो उसके अंदर आप अपनी एक्सपेंसिव आइटम जैसे कि कीज, क्रेडिट कार्ड्स, कैश वगैरह रख सकते हैं. So guys, now I'm gonna show you all what I usually carry in my bag when I'm going out. So guys, सबसे पहले ना मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये जो यहाँ पर पेन पाउच होता है ना, उसके अंदर मैं क्या क्या रखती हूँ. So guys, I carry a ball pen with me क्योंकि अगर कहीं मुझे नोट्स वगैरह लेने हो तो मुझे उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है. एंड गाइज, उसके अलावा ना मैं इस तरह के ना पोस्टेट्स अपने साथ जरूर रखती हूँ बिकॉज आई एम अ वेरी फॉरगेटफुल पर्सन. सो जगह जगह ना मैं अपनी डेस्क वगैरह पे ना पोस्टेट्स लगाती रहती हूँ टू रिमाइंड मी ऑफ थिंग्स. सो गाइज, ये पोस्टेट्स मैं रखती हूँ. जो मोबाइल पाउच है उसमें ऑफकोर्स आई कीप माई मोबाइल फोन. एंड गाइज, उसके अलावा ये जो पीछे वाला जिपर पाउच है ना, उसके अंदर आई कीप माई क्रेडिट कार्ड, माई कार कीज, घर की एंड थोड़ा बहुत मैं इसके अंदर कैश रखती हूँ. एंड गाइज, अब ये जो मेन
कंपार्टमेंट है ना बैग का, इसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें रखती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आई कैरी अ फ्यू बेबी वाइप्स। ये जो बेबी वाइप्स होती है, इनमें सबसे कम केमिकल होता है एंड दे आर वेरी गुड एट हैंड्स ऑन क्लीनिंग। सो अगर मुझे कोई चीज़ क्लीन करनी है, अपनी डेस्क क्लीन करनी है, अपना मोबाइल फोन का स्क्रीन क्लीन करना है, सो दीज वाइप्स कम रियली हैंडी। सो गाइस, इस तरह की बेबी वाइप्स हमेशा मैं अपने बैग में कैरी करती हूँ। उसके अलावा आई कैरी अ स्मॉल बॉटल ऑफ मॉइस्चराइजर। उसके अलावा ना, ये एक छोटा सा स्प्रे मिस्ट है, ये बेसिकली एक बेबी परफ्यूम है, बट गाइस ये बहुत ज्यादा ना फ्लोरल, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस इसकी होती है। सो इसको इनिशियली मैंने समायरा के लिए खरीदा था, बट अब समायरा से ज्यादा मैं इसको यूज करती हूँ, तो ये भी जनरली मेरे बैग में रहता है। एंड गाइस, उसके अलावा मैं अपने साथ एक कोम्ब रखती हूँ, ताकि अगर कहीं पे भी हेयर फ्रिजी लग रहे हो, मैसी लग रहे हो, उसको तुरंत मैं टचअप कर सकूँ। उसके अलावा एक काजल रखती हूँ गाइस, यस। उसके अलावा जरूर मैं अपने साथ लिप बाम रखती हूँ, क्योंकि लिप बाम भी ना, अगेन इट्स अ गो टू प्रोडक्ट। अगर आपको कहीं भी बाहर जाना है, किसी को मिलना है ना, एंड यू आर नॉट रेडी ना, तो थोड़ा सा अगर आप काजल के साथ लिप बाम लगा लेंगे ना, तो एकदम से आपका फेस खिल उठेगा। लिप बाम लगाते ही आपके जो लिप्स हैं वो पिंक, हेल्थी एंड प्लम्प लगने लग जाते हैं। सो लिप बाम भी मैं जरूर रखती हूँ। एंड यस, आई कैरी अ फ्यू सैनिटरी पैड्स विद मी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। एंड यस, उसके अलावा ये मेरा ना एक हैंड एंड नेल क्रीम है, जिसे मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। इसको भी मैं अपने साथ रखती हूँ, ताकि मेरे जो हैंड्स हैं वो ड्राई ना लगे। मेरी स्किन बहुत ड्राई है गाइस, आप नहीं समझोगे। सो मुझे कॉन्स्टेंटली मॉइस्चराइज करने की जरूरत पड़ती है, तो ये मेरा हैंड क्रीम मैं रखती हूँ। एंड यस, उसके अलावा ना मैं हमेशा ना अपने साथ थोड़े बहुत ना ड्राई फ्रूट्स, नट्स, बेरीज वगैरह रखती हूँ इस तरह के कंटेनर में, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है। एंड जनरली मेरा जो स्केड्यूल है, कई बार लंच वगैरह भी स्किप हो जाता है या डिले हो जाता है, सो वहाँ पर ना इट रियली कम्स हैंड। एंड यस, हाँ, उसके अलावा मैं इस तरह के स्क्रंची ज़रूर अपने बैग में रखती हूँ, क्योंकि कहीं पर भी अगर बाल बांधने का मन कर रहा है, सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंड यस, थोड़ी बहुत ना हमेशा मैं अपने बैग में ना इस तरह की ना कैंडीज रखती हूँ। कैंडीज भी अगेन, अगर आपको एकदम से शुगर लेवल लो हो रहा है, तो आप ये खा सकते हो। एंड गाइस, उसके अलावा जनरली मेरे साथ समायरा होती है, तो उसको भी कहीं पर भी भूख लग जाती है, कहीं पर भी वो कोई जिद पकड़ लेती है, तो छोटा सा कैंडी देके मैं उसको ब्राइब कर सकती हूँ। एंड यस, हाँ, उसके अलावा मैं हमेशा अपने बैग में ना लिपस्टिक जरूर रखती हूँ। एंड जनरली ना एक लिपस्टिक मैं बिल्कुल न्यू शेड में रखती हूँ, एक मैं थोड़ी सी ब्राइट शेड में रखती हूँ। एंड यस, हाँ, उसके अलावा ना मैं अपने साथ एक या दो एक्स्ट्रा मास्क जरूर रखती हूँ, क्योंकि जनरली हम लोग अपने मास्क ना कहीं ना कहीं पे भूल जाते हैं। यस, उसके अलावा मैं अपने सनग्लासेस जरूर रखती हूँ बैग में, क्योंकि अहमदाबाद में ना बहुत ज्यादा धूप होती है। I think now it's empty. So guys, these were all the things that I carry with myself on regular basis. आप लोग अपने साथ क्या चीजें लेकर जाते हो, मुझे जरूर बताइएगा in the comment section. And yes guys, अगर ये बैग आपको अच्छा लगा हो, तो इसका जो परचेज लिंक है ना, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड गाइज, वन थिंग मोर, अ गुड न्यूज फॉर ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए Zoop दे रहा है एक 15% डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ देयर हैंड बैग। गाइज, इस 15% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको यूज करना होगा मेरा कूपन कोड, जो कि है YT Smiles and Burps 15। गाइज, ये डिस्काउंट कोड अभी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है, एंड इसको भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो गाइज, अगर आपको Zoop के प्रोडक्ट्स पे 15% डिस्काउंट एंजॉय करना है, तो मेरा डिस्काउंट कोड जरूर यूज कीजिएगा। गाइज, Zoop के जो बैग्स हैं, वो आपको और भी लीडिंग ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे कि amazon.com, flipkart.com वगैरह पर मिल जाएंगे, बट मेरा जो कूपन कोड है, इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द Zoop ऑनलाइन वेबसाइट। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डू चेक आउट द लवली डिजाइंस। एंड गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे वीडियोस देखने में बड़ा मजा आता है। प्लीज टेल देम अबाउट द Zoop बैग्स, क्योंकि ये बहुत अच्छे कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड डू फॉलो मी ऑन Instagram, एंड आई एम गोना सी यू अगेन वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।